नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संतुलॉजी टेक में। और इस वीडियो में हम हाथ डालेंगे आईफोन एक्स की इज्जत पर, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे 1 लाख रुपए का फोन। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 1 लाख रुपए का फोन। कहां से कहां पहुंच गई मोबाइल की इंडस्ट्री। एक टाइम होता था जब लोग 2-2 हजार के फोन लेते वक्त भी 10 बार सोचते थे, और आज की डेट में दोस्तों एप्पल ने पता नहीं ऐसे फोन के अंदर कौन से हीरे जवाहरात लगाए हैं जो ये 1 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस फोन के अंदर। हाँ तो दोस्तों, ये जो हमारे हाथ में फोन है, ये है आईफोन एक्स 64GB वाइट वेरिएंट इसका। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आप जो नोटिस कर पा रहे होंगे वो है कि इसके अंदर होम बटन ही नहीं है दोस्तों। तो अब आप सोचेंगे कि इसको अनलॉक कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी सा है। इसको सिर्फ टैप करके अपर स्लाइड कीजिए और आपका अनलॉक हो गया फोन। एक बार इसका वर्ल्ड टूर लेते हैं फोन का, जरा चारों तरफ से इसको घूम के देखते हैं कि कैसा है ये फोन चारों तरफ से। फेमस बैक ग्लास डिजाइन जो आईफोन 4S में आता था दोस्तों, अब यहाँ वापस आ चुका है। तो अब आप दोस्तों फोन को दोनों तरफ से तोड़ सकते हैं। एक्चुअली एक मिनट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज नीचे जाके एक लाइक वाला बटन दबा दीजिए, आपका खुश हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बैक पर दोस्तों जो कैमरा है वो वर्टिकली शिफ्ट कर दिया गया है, डुअल कैमरा है, वही सेम आईफोन 7 प्लस वाला या फिर 8 प्लस वाला कह लीजिए। डुअल कैमरा 12-12 मेगापिक्सल का होगा दोस्तों ये। नीचे यहाँ दोस्तों आपको मिल जाता है माइक्रोफोन, लाइटनिंग केबल और राइट साइड में इसका मिलता है आपको स्पीकर। दोस्तों एक्चुअली जो स्पीकर है इस वक्त, जो फ्रंट का जो ईयर पीस है वो भी एक स्पीकर की तरह काम कर रहा है जब आपको वीडियो या सॉन्ग सुनते हैं। तो एक्चुअली में ये डुअल स्पीकर बन जाता है और स्टीरियो स्पीकर का काम करता है। राइट साइड में दोस्तों पावर बटन दिया गया है जो कि पहले से साइज में बड़ा है, सो दैट आप उसको इजीली रीच कर सके। यहाँ पे जो दोस्तों साइड में फ्रेम का यूज किया गया है वो है स्टेनलेस स्टील की, जो कि काफी टफर मानी जाती है एल्यूमिनियम से। लेफ्ट साइड में दोस्तों वही सेम वॉल्यूम रोकर्स दिए गए हैं और ऊपर उसके साइलेंट करने का स्विच। ऐप को बंद करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप नीचे से जस्ट स्वाइप करें जैसे आपने फोन को अनलॉक किया था वैसे ही इसमें ऐप बंद होती है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ऐप टू ऐप स्विच करना है, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाना है, तो नीचे सिर्फ जहां से आप स्वाइप अप कर रहे थे तो एक छोटी सी लाइन के ऊपर अगर आप राइट लेफ्ट साइड स्वाइप करेंगे तो आपकी नेक्स्ट ऐप आ जाएगी जो कि ओपन बैकग्राउंड पे चल रही थी। आप ऊपर देख सकते हैं जो दो कटआउट्स हैं, राइट साइड से अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा आपका कंट्रोल सेंटर, और लेफ्ट साइड से अगर आप डाउन स्वाइप करोगे तो आपको दिखेगा नोटिफिकेशन सेंटर। हाँ तो दोस्तों एक और फीचर है जो आप 1 लाख रुपए भर के यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों एनएमओजी। एनएमओजी में एक्चुअली क्या है, आपका जो फोन है आपके फेस के एक्सप्रेशन देख के एक कार्टून कैरेक्टर को सेम एक्टिंग करने के लिए मजबूर कर देता है। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों कैसे, देखिए। हाँ तो आप 1 लाख रुपए भर के एक्चुअली ये वाली बकचोदी भी कर सकते हैं। पहले दोस्तों डबल क्लिक करने पर आपको पुरानी जो सारी ऐप्स है बैकग्राउंड पे चल रही होती है वो सारी की सारी दिख जाती थी। तो इस फोन के अंदर वो कैसे होता है चलिए मैं बताता हूँ। नीचे से स्लाइड करें ऊपर तक और सेंटर में जाके स्टॉप हो जाए, वहां पर दोस्तों आपको रुकने के बाद सारी की सारी ऐप्स बैकग्राउंड पे चलने वाली दिख जाएंगी, जिसको आप आराम से फिर बंद कर सकते हैं। अब जो सीरी है दोस्तों वो चलेगा राइट साइड के पावर बटन से, पावर बटन को आप होल्ड करके रखें तो उससे आपका सीरी एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर बात करें हम स्क्रीनशॉट की, जो कि पहले लिया जाता था पावर बटन और होम बटन से, वो अब होता है पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक बारी प्रेस करने से। उन दोनों को एक बारी प्रेस करें और आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों पर्सनली अगर देखा जाए तो ये फोन अपनी पुरानी सीरीज के हिसाब से काफी अलग है, सिर्फ एक होम बटन हटाने से इन्होंने काफी कुछ इम्प्रूव किया है। तो अकॉर्डिंग टू अस ये चेंज अच्छा है अगर आप आईफोन 8 आईफोन 7 चला रहे हैं। तो अगर आप आईफोन 6 XS चला रहे हैं और अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो 8 पर जाने से अच्छा है दोस्तों आप डायरेक्टली एक्स ही लीजिए। और अब तो इंटरनेशनल वारंटी आ गई, कोई रिश्तेदार बाहर रहता है तो वहां से मंगा लीजिए। इस बेजललेस फोन के अंदर ऊपर जो बम्प है दोस्तों, उसके कारण काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन था कि अगर हम वीडियो देखते हैं तो हमें कैसा व्यू एंगल मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि व्यूइंग एंगल आपको कैसा मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे वीडियो चलती है, वीडियो चलने के टाइम दोनों तरफ बेजल्स आ जाते हैं ब्लैक कलर के, लेकिन राइट साइड टॉप पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको क्लिक करने से वो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होने में जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है वो तो कट हो जाएगा, बाकी सारा का सारा साइड्स में घुस जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको ये वीडियो देखने में, और बहुत जल्दी आप हैप्चुअल हो जाएंगे इसको देखने के। इसके अंदर दोस्तों यूज किया गया है ओलेड डिस्प्ले का, जो कि काफी अच्छी और रिच क्वालिटी आपको व्यूइंग देती है। इसकी जो स्क्रीन साइज है 5.8 है, लेकिन स्टिल फोन का जो साइज है आईफोन 8 से छोटा रहेगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने होम बटन हटाने से हटा दी है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर को आईफोन ने रिप्लेस किया है दोस्तों फेस आईडी से। फेस आईडी कैसे काम करता है दोस्तों, जो ऊपर आपको ब्लैक कलर का एक पार्ट दिख रहा है उस पार्ट के अंदर जहाँ पे ईयर पीस है उसके साथ लगाए गए कुछ एक सेंसर्स, और उस टेक्नोलॉजी का इन्होंने नाम रखा है ट्रू डेप्थ सिस्टम। ट्रू डेप्थ सिस्टम दोस्तों क्या करता है, आपका जो फेस है उसको एक बार ही पूरा स्कैन कर लेता है, पूरा
स्कैन करने के बाद आप फोन को जैसे ही अपने फेस के आगे लाते हैं तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। अनलॉक होने के बाद सिर्फ आपको स्वाइप अप करना है और फोन अनलॉक हो गया। अब ये रियलिटी में कैसे काम करेगा वो आपको खुद सोचना है। अगर आप कार चला रहे हो, कार चलाते हो अनलॉक दोस्तों आप कैसे करोगे, आप फोन को फेस के आगे लाओगे या गाड़ी चलाओगे? धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।